गैर भाजपाई दलों के गठबंधन को अब अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा है। अखिलेश यादव ने कहा था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिल जाएंगे, उन्होंने पीडीए को बताया। अब ओवैसी साहब आ गए, उन्होंने कहा मुसलमान दलित आदिवासी मिल जाएंगे। लेकिन फिर इसमें सवाल उठ रहे हैं कि इसमें मायावती जी कहाँ हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का आना साथ में आना बहुत जरूरी है। और ऐसे अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी अपनी शिकायत है कांग्रेस पार्टी से। ऋतुराज जी हमारे साथ कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी ये मानती है कि 2024 से पहले ऐसा कोई गैर भाजपाई दलों का गठबंधन होना अनिवार्य है या नहीं? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि देश का संविधान खतरे में है। जब संविधान खतरे की बात हम करते हैं तो आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कि दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल जी 8 साल तक कोर्ट्स में लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यूनैनिमस फैसला देती है दिल्ली की जनता के पक्ष में, और केंद्र की सरकार 8 दिनों के अंदर ही एक गैर संवैधानिक अध्यादेश ला करके उस पूरे के पूरे फैसले को पलटने का काम करती है और दिल्ली की जनता के हक और अधिकार को छीनने का काम करती है, संविधान विरोधी काम करती है। सबसे पहले तो कोई भी सरकार किसी भी ऐसे फैसले को नहीं पलट सकती है जो कि संविधान की मूल भावना को खत्म करता हो। जी ठीक। और केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की बेंच ने ऑलरेडी इस चीज को साफ कर दिया था कि आप जनता का ना तो मूल अधिकार छीन सकते हैं, ना कोई भी ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे कि जो संविधान की मूल भावना है जनतंत्र, उसको आप पलट दें। तो इन्होंने वो पलटने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट 2 महीने के गर्मी की छुट्टियों में गई। आज यहां पर मैं, हमारे नेताजी एक ही बात तो कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, 12 दल जिनका स्टेक है राज्यसभा के अंदर में, 12 में से 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हाँ, गैर संवैधानिक जो अध्यादेश है हम उसके खिलाफ हैं, और जब ये बिल के रूप में राज्यसभा में पेश होगा तो हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसका स्टैंड क्लियर नहीं है। तो नहीं, तो आपसे यही तो सवाल बार बार हो रहा है ना कि आप अपने मुद्दे को लेकर के आप कहेंगे हमारा नहीं सबका मुद्दा है, चलिए ठीक है, लेकिन एक मुद्दे को लेकर के आप पूरे पूरे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करना क्या उचित मानते हैं? लेट मी कंप्लीट। सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को एक साथ आना चाहिए, गठबंधन होना भी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए, संविधान खतरे में है। जिस संविधान की बात कांग्रेस पार्टी करती है, एक संविधान विरोधी अध्यादेश आता है और उस अध्यादेश के ऊपर में ये स्टैंड नहीं ले पा रहे। अरे, स्कूटर का भी स्टैंड होता है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। ये कैसा महागठबंधन की बात कर रहे हैं आप? आज संविधान खतरे में है, दिल्ली की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है, और दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के आप साथ हैं कि आप मोदी जी के साथ हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो बड़ा आपकी बातों से बड़ा साफ है, और आप ही नहीं, आपकी पार्टी के और जितने भी नेता बात करते हैं कि भाई इस मुद्दे से नो कॉम्प्रोमाइज अखिलेश जी। अब ये तो बाकी पार्टियों को तय करना है कि उनकी एकता में आम आदमी पार्टी क्या इतना अनिवार्य पुर्जा है या नहीं है, लेकिन उन्होंने तो साफ कर दिया है हमारे साथ नहीं है, मतलब हम आपके साथ नहीं है। लोगों के हक और ऋतुराज जी, जरा जवाब सुनिएगा अखिलेश जी का। हमारा संविधान बचाने का मुद्दा है। देखिए सौरभ जी, ये तय करना है आम आदमी पार्टी को कि उसे एक क्षणिक अध्यादेश रोकने की प्राथमिकता है या इस देश को जो संविधान को, लोकतंत्र को जो कुचल रहा है उसे रोकने की प्राथमिकता है, ये तय करना है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अपने क्षणिक लाभ के लिए कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है? सारा विपक्ष पूरे हिंदुस्तान के भले के लिए लाभ, आप साथ नहीं मेरे भाई, इतनी सी बात कहनी है, खामोश हो जाएं। सुन लीजिए ऋतुराज जी, कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है? आप ये बात पूछा मैंने, वो आप बताइए, व्हाई आर यू नॉट एबल टू टेक इवन स्टैंड? सुना रहे हैं, सुनिए, सुन लीजिए ऋतुराज जी, सुनिए भाई, इनको चुप करा दीजिए, हमारा स्टैंड सुन तो लीजिए ना। हमारा स्टैंड यही है कि आपको क्षणिक संवैधानिक संकट से निपटना है कि जो परमानेंट संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है उसे निपटना है, ये आपको तय करना है। आप तय कर लीजिए, आप सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, विपक्ष पूरे देश के हित की बात कर रहा है, यही मेन बात है। देश के संविधान को दिखाना होगा, करना होगा, क्योंकि आपने अपने अतीत में, अरे सुनिए, आपने अतीत में कांग्रेस पार्टी का बर्बादी का इंतजार कर रही है।
क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है? संविधान को आपकी बात उन तक गई, देखिए वही बात है ना, बात वही अटकी हुई है। वो कहते हैं आप स्टैंड लीजिए, तब जाकेगी कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि जब मौका आएगा तब हम करेंगे। एक मिनट, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।